अनु अनु हाँ चल चल उठ जा, वॉक के लिए जाना है। तूने कहा था ना यस्टरडे उठाने को। तू जा वॉशरूम जा, फिर जब तू निकल जाएगी तब मैं उठ जाऊंगी। हाँ ठीक है। चल मेरा हो गया, चल चल। सोने देना यार, मैं आज शाम को वॉक कर लूंगी। तू जा ना यार, पक्का कर लूंगी आज शाम को वॉक। मुझे सोने दे तू। तेरा ना कुछ नहीं हो सकता, तू एकदम आलसी है। हर रोज तू यही करती, शाम को जाऊंगी, आलस आ रहा है। तेरे बहाने ना कभी बंद नहीं होने वाले। मैं जा रही हूँ नीचे वॉक के लिए। हाँ इतनी अच्छी एसी की हवा, कौन अपना नींद खराब करेगा। वर्कआउट बाद में कर लेते हैं, अभी सोते हैं। नो। मैं वर्कआउट करके भी आ गई और ये अभी तक सो ही रही है। पक्का आज स्कूल के लिए लेट होगी। मैं बोल रही हूँ, ये आलस तेरे काम कभी नहीं आने वाला है। आज ही लोग कभी जिंदगी में नहीं आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी सो रही है। जा रही हूँ मैं नहाने। अरे तो अभी तक सो ही रही है। अनु उठ जा भाई, सिर्फ 5 मिनट बाकी है क्लास के लिए। 5 मिनट काफी टाइम है, वैसे भी लोग लेट ही आते हैं क्लास में। मैं लेट ही टाइम करूंगी। सच्ची में तेरा कुछ नहीं, तू बहुत ज्यादा आलसी है। मुझे नहीं लेट होना, मैं जा रही हूँ अपनी क्लास के लिए। यस मिस। अनु मिस बुला रही है, अब तो ज्वाइन कर ले। हाँ सर आ गए, चलो उठती हूँ। हाँ। तो देखा गाइस, ये थी हमारी आलसी अनु। अब देखने के लिए आलसी अनु पूरा दिन करती क्या, ज़रूर वीडियो का एंड तक देखना। एंड एंड में आपके लिए सरप्राइज भी है, तो देखना ज़रूर करना यार, देखना ज़रूर। एंड ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। सो गाइस चलिए अभी देखते हैं कि आलसी अनु करती क्या है। गुड मॉर्निंग सर। Yeah sir, actually I was facing some internet issues. That's the reason I joined late. Yeah sir. No. यार बोर हो रहा है, चलो पढ़ाई कर लेती हूँ। Who am I kidding? मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ। चलो वीडियो गेम ही खेल लेती हूँ। कितना टाइम हो गया गेम खेलने, आधा घंटा। चलो खेल लेती हूँ गेम। खेलती खेलती कुछ खाने को भी मिल जाए, मज़ा ही आ जाए। मम्मा क्या हुआ अनु? मम्मा बहुत भूख लग रही है, खाने में क्या बनाए हो? मुझे चाहिए, दो ना। दाल चावल रोटी। रोटी को चबाना पड़ता है, इतना मेहनत कौन करेगा। चावल तो आसानी से निगल भी जाता है। मम्मा मुझे सिर्फ दाल चावल दे दो ना प्लीज। आ जाओ लेके जाओ, मैं सब्जी काट रही हूँ। ओह नो। हाँ इतना चल के जाना होगा लेने के लिए, ये तो मेरे पे ही आ रहा है। मम्मी आप ही ला दो ना, वो मैं गेम खेल रही हूँ ना। अच्छा तुम गेम खेल रही हो, रुको आती हूँ, अभी 2 थप्पड़ लगाती हूँ तुमको। अरे मम्मा जब टमाटर मारने आओगे ना तब साथ साथ ला देना ना खाना। ये भगवान, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। प्लीज ला दो मेरी प्यारी मम्मा। ठीक है आलसी कहीं की, लेके आती हूँ। हाँ, मजा आ गया, हम गेम खेलते खेलते ठूसेंगे। अरे यार फोन भी मर गया, अब क्या करूँ। चार्जर भी इतना दूर है, अगले रूम में कौन लेने जाएगा। टीवी देख लेती हूँ। रिमोट। अरे यार थोड़ा भी पास आता। अरे यार रिमोट भी इतना दूर है। आइडिया। आयु जल्दी आ, भाग कर आ। क्या लग गई? कहाँ लग गई? और रिमोट देना। अच्छा आलसी, रिमोट के लिए मुझे यहाँ तक बुलाई तू। इतनी आलसी है तो मैं नहीं दूंगी तेरे को रिमोट। जा। अरे आयु, लगी मुझे सच्ची में। कहाँ लगी? मुझे नींद लग गई। प्लीज रिमोट दे देना प्लीज, लास्ट टाइम प्लीज प्लीज प्लीज। तू मेरी बहुत अच्छी बहन है ना, प्यारी बहन है। अब लगी लगी थोड़ी बहुत, लेकिन रिमोट मिल गया वो मेन चीज है। ए महारानी, तूने अपना होमवर्क किया? आराम से यहाँ टीवी देखने बैठी है। कौन सा वाला? मैथ का होमवर्क। ये भी नहीं पता देखो? हाँ, उसका सबमिशन डेडलाइन कब है? परसों। ओ बताओ, परसों है तो आज का दिन क्यों वेस्ट करूँ, कल आराम से कर लूँगी। अरे बहुत टाइम है, मुझे मत पका, मुझे देखने दे टीवी। ये आलस ना तेरे को कभी भी जिंदगी में कहीं नहीं लेके जाएगा। आलसी चुड़ैल, हट। हाँ क्या मौसम है आज, एकदम ठंडा लग रहा है। अनु जरा पापा को फोन कर दो, मेरी दवा लेके आएंगे। ठीक है मम्मा, फोन कर देती हूँ। ठीक है बेटा। अरे यार, अब इतना डायल वाइल कौन करेगा कॉल में जाना। चलो कोई नहीं, सिरी बाबा जिंदाबाद। हे सिरी, कॉल पापा ऑन स्पीकर। कॉलिंग पापा, मोबाइल ऑन स्पीकर। हाँ हेलो पापा। हाँ बेटा। मम्मा का दवाई लेकर आ जाना। हाँ ठीक है बेटा, लेके आता हूँ। हाँ, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अनु। हाँ अनु, तूने सुबह कहा था कि हम शाम को वॉक के लिए जाएंगे। चल अभी शाम हो गई, हम लोग वॉक के लिए जाते हैं या बैडमिंटन खेल लेंगे। अरे आयु, वो क्या है ना, अभी अंधेरा हो गया और अंधेरे में बहुत मच्छर आते हैं, तो पैर में बहुत काटते हैं, हाथ में काटते हैं। देखो पता है ना मुझे एलर्जी है, और वैसे भी बैडमिंटन खेलना वेलना भी नहीं पाएंगे कुछ गेम, क्योंकि इतनी हवा चल रही है, सब उड़ ही जाएगा। अरे तो एटलीस्ट वॉक तो कर सकते हैं ना। अरे कौन अभी वॉक करेगा, मच्छर वाला मैंने बताया ना तेरे को। नहीं रहने देना, चल कल सुबह हम लोग पक्का उठेंगे। सुबह कुछ रहता भी नहीं ना मच्छर वच्छर। तू ना बस बहाने देती, तो एकदम आलसी है। एक हफ्ते से तू यही करी है। मैं नहीं उठाऊंगी तेरे को, जा तू। चलो कल नहीं उठाएगी तो कोई नहीं, मेरी क्या गलती। आयु ने नहीं उठाया, नहीं तो वॉक करने गई होती। आयु तुम्हारा ये होमवर्क हो गया ना? हाँ मम्मी हो गया। अच्छा, अनु ने तो पक्का नहीं किया होगा। हाँ मम्मी, आपको पता है अगर एक आलसी का कॉम्पिटिशन होता ना और अनु उसमें पार्टिसिपेट करती तो वो ज़रूर जीत के आती। सच कह रही हो, मैं भी अनु से तंग आ गई हूँ। ये लड़की दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, इतनी आलसी होती जा रही है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ उसे ना सबक सिखाना चाहिए। तुम्हारी तरह जो तुमने सोचा ना, मैं भी वही सोच रही हूँ कि उसको उसकी भाषा में मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ मम्मी सही आइडिया है, चलो हम कल से ना उसे सबक सिखाना शुरू करते हैं। चलो, प्लान डन। यस। आयु भी तक सोई रही है। टाइम क्या हो रहा है? oh, no. है? 8 बजने वाले 5 मिनट में। आयु आयु, क्या है? अरे तू सुबह वॉक के लिए नहीं गई? आलस आ रहा था। हाँ? आलस? आयु वो सब छोड़, 5 मिनट स्कूल चालू होने वाला है, चल जल्दी हो। मैं जा रही हूँ वॉशरूम में, तू जाना, उसके बाद में जाऊंगी। लेकिन 5 मिनट ही बाकी है ना, तुझे नहीं तैयार होना? अरे कौन सा कोई टाइम पे आता है वैसे भी। ये अजीब सा क्यों लग रहा है? तूने और मैंने बॉडी स्विच कर ली क्या? नहीं, ये तो मुझे कॉपी कर रही है। यार जा तू ना वॉशरूम में। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं। यस, प्लान अनुष्का का आलस भगाना शुरू होता है। बहुत दूर है ना। oh, no. तो तू इतना चिल्ला के मुझे डराती है कि कुछ हो गया तेरे को, और मैं उधर रूम में इतना दूर बैठी हूँ, और ये रिमोट जो तेरे पास है तो उसको उठा नहीं सकती। तुझे तो उतना दूर जो चिल्ला चिल्ला के बुलाते इसको उठाने के लिए। यार आलस आ रहा है, दे ना यार। ना नाटक क्या करती है? नहीं दूंगी मैं, क्या कर लेगी। hey. दे ना रिमोट, मैंने दिया तो ना कोई बोल इसको। अरे क्या हुआ, दे दो ना बेटा रिमोट। हाँ नहीं तो तूने भी मुझे फेंका था ना। मम्मा उसे छोड़ो, बहुत भूख लग रही, कुछ खाने को दो ना। हाँ अब आपको क्या हुआ? अरे मम्मी आपका पैर दर्द हो रहा है। अरे आज बेटा मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने तो अभी तक कुछ बनाया ही नहीं। अभी कुछ देर पहले तो आपने ब्रेकफास्ट बनाया था, तब तो कुछ नहीं हुआ था। हाँ लेकिन ये अभी दर्द होने लगा ना। है? बहाना तो नहीं मार रहे ना? नहीं बेटा सच बोल रही हूँ, देखो मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। तेरे क्या लगता है मम्मी बहाने मारे यहाँ पे? हाँ आप लोग कुछ इतनी एक्टिंग करनी करो, मैं खुद भी बना सकती हूँ, मुझे आता है कुकिंग करना। मैं जा रही हूँ। मुझको लगता है मैं कुकिंग नहीं कर सकती, आज मैं कुकिंग कर लूंगी और बोल दूंगी कि अनुष्का कितना अच्छा कुकिंग करती है। चलो आज मैं अपना फेवरेट पालक पनीर बनाऊंगी, एकदम यम्मी रहता है। पालक पनीर में लगता है पनीर, पालक, और क्या लगता होगा? पालक पनीर, पालक और पनीर। फिर है दो तो मुझे आता नहीं बनाना, हम खिचड़ी बनाते तो सबसे आसान भी होता है बनाना। अरे नहीं यार खिचड़ी भी नहीं बना सकती, उसके लिए इतना टाइम लगता है, कुकर, पानी, मुझे याद भी नहीं कितना रेशियो होता है, अच्छा भी नहीं लगता। खिचड़ी मेरी एक बार मैं बनाई थी एकदम कड़वी बनी थी। हाँ मैं क्या करूँ। अरे सबसे बेस्ट मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, मैं पिज्जा ऑर्डर करती हूँ, बर्गर ऑर्डर करती हूँ। अभी तो दोपहर का टाइम में इतना ट्रैफिक होगा, इतना टाइम ले हो जाएगा डिलीवरी के लिए, वो तो मैं वो भी नहीं खा पाऊंगी, तब तक मैं भूखी ही रह जाऊंगी। मैं क्या बनाऊं, कुछ फ्रिज में है भी नहीं यार। मम्मा से ही बोलना होगा, मम्मा आयु मुझसे नहीं बन रहा, आप लोग ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहे हो, और तू इतना आलसी क्यों बन रही है? अगर बाजू में रिमोट है तो थोड़ा हाथ उठाने में, हाथ स्ट्रेच करने में क्या जाता है? पूरा दिन बाकी टाइम कुछ, अभी कैसे अचानक से आलस आ रहा है? आलस अच्छा नहीं होता, थोड़ा हिलना भी तो चाहिए ना, बॉडी को थोड़ी एनर्जी चाहिए। और मम्मा आप अचानक से एक्टिंग क्यों कर रहे हो, आप तो कभी भी थकते नहीं थे, आपको कब से आलस आने लगा? आलस अच्छा नहीं होता, आलस ना ही हमारी कभी भी भला नहीं करता इंसानों का, आपको आलस नहीं करना चाहिए। तुझे सुना सुना नहीं लग रहा? हाँ सही बोल रही हो। ये अनु बोल रही है कि आलसी, मम्मी आलसी। सोने देना यार, मैं शाम को वॉक कर लूंगी, तू जाना यार। बाबा मुझे सिर्फ दाल चावल दे दो ना प्लीज। आ जाओ लेके जाओ, मैं सब्जी काट रही हूँ। आप ही ला दो ना, वो मैं गेम खेल रही हूँ ना। सॉरी मम्मा, सॉरी आयु, मैं समझ गई आप ये सब एक्टिंग कर रहे थे मेरी। मैं अब जान गई, मेरी गलती थी, मैं दिन ब दिन आलसी बनती जा रही थी, जो मेरे सेहत के लिए ना ही मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा था। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, आलस किसी का भी भला नहीं करता। आज जब आप दोनों मेरे को दिखाया कि आलस कैसा दूसरे लोगों को भी इफ़ेक्ट करता है, तब मैं समझी कि कितना बुरा लगता होगा आपको। आई एम रियली सॉरी मम्मा, आई एम रियली सॉरी आयु, अब मैं आलसी बिल्कुल नहीं रहूँगी। तो देखा दोस्तों, आलस बहुत ही बुरी चीज होती है, आलस से कभी भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके अंदर कितना भी टैलेंट हो, लेकिन वो अपने आलस के चक्कर में आगे नहीं कर पाता है। तो आप भी कभी आलस मत करना, अपना काम खुद करो हमेशा। तो दोस्तों जिस बिग सरप्राइज के लिए आप रुके थे वीडियो के एंड तक, तो अभी आ चुका है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं करने के लिए गिव अवे। हमने दिसंबर में गिव अवे किया, तब हम चाहते कि हम आपके लिए वापस करें, लेकिन इस बार का गिव अवे थोड़ा ऑर्गेनाइज रहेगा और ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमारे पास टोटल 4 मेन चैनल्स हैं, कुक विद आशा, आयु एंड ट्विन सिस्टर्स, आयु एंड हर स्टोरीज एंड आयु एंड व्लॉग्स। हमारे पास और 2 भी चैनल है शॉर्ट्स के, लेकिन हम लोग मेन 4 चैनल पे फोकस कर रहे हैं। तो इन चैनल पे ऑल्टरनेट मंथ्स में ऑल्टरनेट चैनल्स को हम गिव अवे करेंगे। जैसे कि अगर हमारे जुलाई के मंथ में हो गया आयु एंड ट्विन सिस्टर्स का, तो अगस्त के महीने में होगा कुक विद आशा का, और फिर उसके आगे अगला वाला चैनल का। तो ऐसे तो ऑल्टरनेटिवली होता रहेगा। तो फटाफट जाके सारे चैनल को सब्सक्राइब करो और पार्टिसिपेट करो। गिव अवे अगले वीडियो से चालू होगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें प्रॉपर मिलेंगे आपको। हां कैसे पार्टिसिपेट करना और वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, तो उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।